नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 अगस्त हो गई है और आज आप देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जो बारिश की एक्टिविटी है पिछले 24 घंटे में वो अच्छी मिली है, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल में भी जो है लाइट मॉडरेट एक्टिविटी हो रही है। आज से लेके 1 तारीख से लेके अगर 5 तारीख तक की बात करें, ये 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान, तो आज बात करें तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश जो है वो मिलेगी प्रदेश में। जहाँ तक भारी बारिश की बात है आज जो है, तो कुमाऊं क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर नैनीताल, चंपावत और इधर गढ़वाल की बात करें तो इसमें जो है पौड़ी, देहरादून, इनमें एकादुक्का जगहों में हैवी रेन्स जो है आज भी मिलने की संभावना है। 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक की बात करें तो जो मौसम की एक्टिविटी वो बढ़ेगी, बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ेगी, अनेक जगहों से लेकर ज़्यादातर जगहों में जो है आपको हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और साथ में जो भारी या बहुत भारी बारिश है वो भी आपको जो है इस दौरान 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक वो मिलने वाली है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो 2 और 3 में ज़्यादा संभावना जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें रहेगी 2 और 3 तारीख में, लेकिन उसके बाद जो 4 और 5 में तो जो एक्टिविटी वो शिफ्ट होकर जो गढ़वाल रीजन है उसमें ज़्यादा फिर आएगी, तो 4 और 5 में जो हैवी, वेरी हैवी रेन से वो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स में भी दिखेंगी। 2 और 3 की बात करें तो गढ़वाल रीजन में भी एकादुक्का जगहों में तो फिर भी जो हैवी रेन से कहीं कहीं पर मिलेंगी, लेकिन जो बढ़ने वाली जहाँ तक बात है जो एक्टिविटी है वो 3 और 4 में गढ़वाल रीजन में ज़्यादा रहेंगी, कुमाऊं रीजन में थोड़ी सी फिर कम होंगी, लेकिन फिर भी यही कहेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन से वो जहाँ 3 और 4 को जो है, 2 और 3 को जो है कुमाऊं रीजन में ज़्यादा रहेगी और इसी तरह 4 और 5 में जो है वो गढ़वाल रीजन में ज़्यादा रहने वाले, तो लोगों को कहीं ना कहीं फिर से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो पहाड़ों में खासकर वहाँ देखेंगे आप भूस्खलन है या फिर रास्ते बंद हो जाना, तो इस तरह की जो एक्टिविटी वो आपको 3-4 तारीख से जो है वो देखने को मिलेगी। तो यही अभी कहना चाहेंगे। नमस्कार।